afternoon, ladies and gentlemen. आप सबका पहले बहुत स्वागत है। मैं मतलब करता हूँ इस शानदार प्रोग्राम में। मैं आपके भाई हमारे ऑल इंडिया महिला पावर पार्टी का प्रेसिडेंट स्पीकर जी आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये मीटिंग आने वाले होशियर मुस्तकबिल का एक इशारा दे रही है, क्योंकि हिंदू तकरीब यहाँ पर आप लोग शुरू करना है। हिंदुस्तान जहाँ हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, वहीं इस बात की जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसी आवाज उठे जो कमजोरों की ताकत बन जाए और तो तहफ्फुज़ पर आराम कराए, वो सुरक्षित महसूस करे और इसी विजन को लेकर डॉक्टर शेख साहबा ने अपने काम का आगाज किया है। डॉक्टर शेख फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। डॉक्टर साहबा 20 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज की सीईओ है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो हिंदुस्तान की सक्रिय या एम्बेसडर बनकर हमें और आपको रिप्रेजेंट कर रही है। और मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मैं आई हूँ, आई बी मूविंग टू दिल्ली टू लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ एमईपी। उनका जो विजन है उससे मुतासर हर शख्स। मैं जद्दा में बैठकर उससे मुतासर हुआ और छोड़ने के लिए तैयार हूँ और फिर आया हूँ आप लोगों की खिदमत करने। आई एम श्योर जो विजन डॉक्टर साहिबा का है उस विजन को लेकर सिर्फ महिला ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी बल्कि हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। महिला मैडम का ये मानना है कि किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी मुआशरे की पाकीज़गी और मजबूती की जो असास है, जो बुनियाद है, जो बेस है, वो एक फैमिली हुआ करती है। और फैमिली की जो बुनियाद अहम तरीन फिगर होता है फैमिली का, खानदान का, वो महिला है और अगर महिला सुरक्षित है, महिला मजबूत है, महिला ताकतवर है, महिला अपने आप को भारत का अच्छा नागरिक और सुरक्षित महसूस कर रही है तो इसका ये मतलब है वो मजबूत हो रही है। और एक घर की महिला अगर मजबूत है तो उस घर के बच्चे भी मजबूत होंगे और उस घर के बड़े भी मजबूत होंगे। और जब खानदान मजबूत हो जाएगा तो अल्टीमेटली एक कम्युनिटी, वो सेहतमंद कम्युनिटी, वो अच्छी कम्युनिटी वजूद में आएगी जिसे हम मजबूत कह सकेंगे। और जब ये मजबूत कम्युनिटी वजूद में आएगी तो झूठ से, करप्शन से, धोखेबाजों से और तरह तरह के जितने भी खतरात हैं हमारी कम्युनिटी को, उससे वो पाक तो बहुत होती चली जाएगी। तो बुनियादी चीज पर डॉक्टर महेंद्र शेख साहबा ने इस काम का आगाज किया है ताकि महिला
अगर सुरक्षित है तो फिर देश भी सुरक्षित होगा और ताकतवर होगा। क्योंकि अल्लाह अकबर ने बहुत ऊपर शेर कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है खोज जिंदगी का गुरु। और एक जब हम इस पार्टी की बात कर रहे थे तो किसी पोएट्री के लाइन मुझे याद आई, उन्होंने कहा कि देखिए भाई आज कर रहा था डायरेक्टर ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज शेख इस्माइल शेख तशरीफ ला चुके हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि इसके पर तशरीफ आए। इस्माइल शेख साहब का हम दिल्ली में इस्तकबाल करते हुए उन्हें शामिल किया। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख साहब तशरीफ ला चुकी हैं। डॉक्टर नोहेरा शेख साहब का मुख्तसर तारुफ मैं अर्ज करूं, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि आप हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी हिंदुस्तान की सफीर के तौर पर जारी करती हैं। लेकिन इस महिला एम्पावरमेंट पार्टी के इनेकाद की जो बुनियादी वजह डॉक्टर साहबा के विजन में है वो ये कि बड़ी छत हो, बड़ा काम हो और हम पूरे मुल्क को एक ऐसा आसमान दे सकें जहाँ हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो और जहाँ हर नारी सुरक्षित महसूस करे। नारी अगर सुरक्षित है तो कम्युनिटी सुरक्षित होगी और कम्युनिटी अगर सुरक्षित है तो फिर वो पूरा मुल्क सुरक्षित होगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब नारी का होगा सम्मान तभी बनेगा हर महान। आप सब जो यहाँ तशरीफ फरमा है वो भारत को महान बनाने का हिस्सा है। मैं गुजारिश करूंगा इस्माइल भाई से तशरीफ लाए और अपने खैरा से वैसे तो बहुत सारे सिस्टम पार्टी लाए महिलाओं के लिए लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो आप कहते हैं कि पूरे दौर से महिलाओं के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू हो या सिख हो ईसाई हो कोई भी मतलब के हो कोई भी मजहब के हो वो महिला है तो उसको पूरी की पूरी कानूनन उन्हें आजादी दिलाना चाहती है और उनके लिए उम्मीदें हैं कि इस पार्टी को पूरे नेशनल वाइज में लॉन्च करने के इरादे वो करते हैं। और मैं इस मौके पर आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि एक अच्छा कदम सही वक्त आपने उठाया है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि जब एक महिला आधी रात में निकल कर अपने घर को अमल के साथ पहुंच जाती है उसी दिन हमारे लिए सही स्वातंत्र आया। तो आज वो कमी महसूस की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर खुशी प्रतिष्ठा के ताल्लुक से और लोगों के ताल्लुक से देखा जाता तो वो कमी महसूस की जा रही है। तो उसी सिस्टम को संविधान के अंदर हमारी पार्टी कुछ कोशिशें इस तरह के हिस्सा लगाना चाहती है और पूरे औरतों के लिए रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी कोशिश करना चाहती है। कई मकासदे हैं आप डॉक्टर साहबा से पूछ सकते हैं और मैं इसी बात से खत्म करता हूँ कि इस पार्टी के लिए मकासद के साथ हम सब डायरेक्टर बल्कि के साथ तकरीबन 12 लाख मेंबर जुड़े हुए हैं। ये सारे मेंबर उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जय भारत जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून।
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब यहाँ पर मीडिया के सारे लोग जो तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं आप सब का शुक्र अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बारे में आज बात हो रही है और इस पार्टी को लॉन्च करने के पीछे कई मकासद हैं। ख्वातीन को लेकर, हमारे भारत के महिलाओं को लेकर, और मैं 20 साल से 1998 से हमारे भारत के महिलाओं के लिए काम करती हूँ। मुख्तलिफ सोशल शोबों में और मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियों में मैंने काम किया है और काम करते करते मैंने ये चीज़ों को महसूस किया है और मैंने इन चीज़ों को देखा है कि हमेशा सब लोग कहते हैं औरत के हुकूक हैं, महिला को आगे ले जाना चाहिए, मगर आज तक जिस तरह महिला को आगे आना चाहिए, जिस तरह महिला को सम्मान मिलना चाहिए, उस तरह से नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं वो डरती डरती ज़िंदगी गुजार रही है, कहीं ना कहीं वो एक ताकत के नीचे दबी हुई है, कहीं ना कहीं वो अपनी कमज़ोरी के लिए शर्मिंदगी महसूस करती है और कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाया जाता है। तो इस वजह से मैंने अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों को देखा है और काफ़ी विलेजेस में प्रोग्राम किए, और जहाँ पर मैं रहती हूँ ख़ास कर से, उस जगह पर तालीम की बहुत ही कमी लड़कियों में होती है और लड़की को पढ़ाना तो ऐप समझा जाता है, और उसको जब वो 8-9-10 साल की हो जाती है तो फिर उसको जो इस तरह से सोचते हैं कि अब वो तो सिर्फ घर में काम करे, अब उसकी शादी हो जाए, अब उसके लिए जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी तबके, मैं कहती हूँ कि 100 में से 80% लोग इस तरह की सोच रखने वाले मौजूद हैं। तो फिर मैंने एक मुहिम चलाई और मैंने कुछ प्रोग्राम चलाए और मैंने उनके बड़ों को समझाया कि आपके घर में जब लड़का और लड़की दोनों भी पैदा होते हैं तो दोनों को भी एक साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक माँ जब इल्म वाली होती है तो उसका बच्चा भी इल्म वाला होता है, और एक बहन इल्म वाली होती है तो उसके भाई जो है अपने फ़ख्र से सर उठा सकते हैं, और हर वजह से एक बीवी जब तालीम याफ्ता होती है तो उसके शोहर की वो सपोर्टर बन सकती है। तो औरत जो है माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर इस हिस्से को हर जगह से कमी कर देना और इस हिस्से को बहुत कम नज़र से देखना बहुत सारे जगहों पे होता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से अपनी कोशिशों से कुछ औरतें जो है आगे आ जाती हैं, मगर उनको भी बहुत दबाने की कोशिश की जाती है कि ये फलां काम में कैसे आ गई, ये तो औरत है, ये फलां काम में कैसे आ गई, ये तो औरत है, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो कई दिनों से मैंने काम किया और लाखों लाखों ख्वातीन जमा होते थे, सारे मजहब वाले, सारे मसलक वाले, और मैंने उनमें स्पीचेस किया, सब कुछ किया। जब कुछ हादसे होते हैं, जब कुछ तकलीफ़ आती है, जब कुछ परेशानी आती है, कुछ केसेस मेरे सामने इस तरह के आए कि अभी एक लड़की को जो है डौरी के केस में मार दिया गया। जब मार दिया गया, हम सब मिलकर जब पुलिस के पास पहुंचते हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 75 तक उसके ऊपर जो है निशान हैं, जो मारे हुए हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट कहते हैं कि ये तो पागल लड़की थी, ये खुद अपने आप को जो है इस तरह से मारी थी, जबकि हमको मालूम था कि उसे सालों से सताया गया था, उसको मारा गया था। वहाँ पर क्या था? सिर्फ एक पॉलिटिक्स। जब किसी का फोन आ जाता वहाँ पर तो साइलेंट हो जाती सारी पुलिस, और मुजरिम आज़ादी से हमारे आंखों के सामने घूमता फिरता है, जो जिसको सताया गया उसके लिए कोई इंसाफ नहीं होती। ऐसा एक वाकया नहीं, ऐसे कई वाकये,
ऐसे हज़ारों के वाक़े, ऐसे सौों के वाक़े मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है। तो इसलिए उसके बाद हम हमेशा देखते रहते हैं कि जब राज्यसभा में देखते हैं, जब लोकसभा में देखते हैं, वहाँ पर मुश्किल से दो या तीन औरतें होती हैं, या चार औरतें होती हैं, या पांच औरतें होती हैं, क्योंकि उनको हिस्सा मिल ही नहीं सकता और कोई भी पार्टी उनको 50% 40% टिकट देती ही नहीं। मगर इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन आप चेक करेंगे तो 134 करोड़ पीपल्स हैं आज के डेट में, 134 करोड़ पीपल्स हैं और उसके अंदर 64 करोड़ वुमेन्स। एक छोटा तबका नहीं है ये, माशरे का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इनको सारी इंसाफ मिलना चाहिए, इनके हुकूक इनको मिलना चाहिए। जहाँ पर सिटीज़ होते हैं वहाँ तो कम से कम औरतों को जो है कुछ हुकूक मिल जाते हैं, कुछ बातें मिल जाती हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानती है, भारत के संविधान को जानती है, वो जुडिशरी को जानती है, वो अपने लॉ को जानती है। मगर 80% से 90% ऐसी औरतें हैं जिनको अपने हुकूक के बारे में कुछ भी पता नहीं। जो मर्द बोलते हैं वही बात को उनको सुनना पड़ता है, जो आगे वाले बोलते हैं वही काम को उनको करना पड़ता है, इतने मजबूर हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ को देखा और ये कमी को महसूस किया, फिर मैंने सोचा कि अब ये तकरीरों से और ये बार बार के स्पीचों से, बार बार के लोगों को जमा करने से कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब हमको खुद एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, अब हमको खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आके अपने सीट, अपने हिस्से जो है लेना चाहिए। तो इसीलिए ये पार्टी का मकसद है, ये पार्टी इसीलिए बनी गई, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है और इसका हमारा नारा है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और सारे इंसानों के लिए इसमें इंसाफ हो उसके लिए कोशिश करेंगे। इसमें देश के बहुत सारे महिलाएँ हर विलेज में काम करेंगे, 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में और 29 स्टेट में महिलाएं इसके अंदर काम करेंगे। फिर लोगों का सवाल था क्या सिर्फ ये पार्टी में महिलाएं काम करेगी, क्या मर्दें काम नहीं करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा है कि ये भारत के हर वो भाई की पार्टी है जो अपने बहन के चेहरे पे मुस्कुराना देखना चाहता है, और भारत के हर वो बेटे की पार्टी है जो अपनी माँ के लिए कदर करता है, और भारत के हर वो शौहर की पार्टी है जो अपने बीवी के लिए ऊंचाई पर लाना चाहता है। और जो ऐसे लोग जो ख़वातीन की मदद करने वाले हैं, जो ख़वातीन की इज्जत करने वाले हैं, ऐसे मर्दों को भी हमारे पार्टी में बिल्कुल हिस्सा है। मगर पार्टी का पहला मुद्दा होगा कि सबसे पहले जो है औरत की इज्जत करे, और वो भारत की महिला की इज्जत करे और महिलाओं की जो है ख्याल रखें। और भारत में कई पार्टियां आए हैं, कई मुद्दों पे बातचीत होती है, कभी कभी भी हम मीडिया में देखते हैं तो हमेशा ये बात होती है हिंदू मुस्लिम, इसी पर जो है झगड़ते एक घंटा ख़त्म हो जाता है, दो घंटे ख़त्म हो जाते हैं, जबकि इन बातों से पब्लिक को कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम चाहे हिंदू रहें, चाहे हम मुस्लिम रहें, चाहे हम क्रिश्चियन रहें, चाहे हम सिख रहें, चाहे ईसाई रहें, हम सबको इक्वल राइट्स है भारत के संविधान में, और किसी को भी राइट ऊपर नहीं है, किसी के लिए राइट नीचे नहीं है। जुडिशरी में भी हर गुने की सज़ा हर इंसान के लिए भी एक ही है, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, चाहे कोई भी रहे, उसको भारत का एक इंसान कहा जाता है। तो आज हमारी पार्टी का मकसद यही है कि भारत के हम सब के सब इंसान हैं, अब हम सब एक ही आसमान के नीचे जीते हैं, हमारे आसमान अलग नहीं है, हम सब एक ही ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी कर रहे हैं, जो कि हमारी ज़मीन भी अलग नहीं है। पिछली एक स्पीच में मैंने बताई थी कि हमारे ब्लड भी जो है एक ही है, जब ब्लड निकालते हैं तो सिर्फ ब्लड का होता है क्या ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और उसके अलावा कोई नहीं पूछता क्या हिंदू का ब्लड है कि मुस्लिम के जिस्म में नहीं जा रहा है, क्या मुस्लिम का ब्लड है कि हिंदू के जिस्म में नहीं जा रहा है, कोई भी नहीं पूछ सकता इसको। और हम सब इंसान है, हम सबको वही दर्द होता है एक जो दूसरे को तकलीफ होती है, तो इसलिए हमको चाहिए कि इंसानियत का नारा लगाएं और इंसानियत के लिए काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा ख़वातीन मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी हैं, और वो हर विलेज में काम करने को तैयार है, और हम हर वो खातून से काम कराएंगे जिसको ये भी सी भी ना आता हो उसको पता चले कि उसके हुकूक क्या है।
और उसको पता चले कि वो किस तरह से जीना है, उसको पता चले कि वो किस तरह से हिम्मत से रह सकती है। आज एक एक जरिया, एक एक वाकिया नहीं चलता है, यहाँ तक कि 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि बेटी के साथ बाप बलात्कार करता है। बहुत सारे वाकिए ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं। एक औरत बिल्कुल जो है इनसे कूर महसूस करती है, क्यों? जब उसको जो है उसके हुकूक नहीं मिलते हैं। और पार्लियामेंट में 18 साल से हमारे 33% की बिल जो है आज तक भी पेंडिंग है, कोई भी उसको 33% देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? जबकि हम 64 करोड़ वुमेन इस हिंदुस्तान में हैं, तो हमको 33% मिलना कौन सी मुश्किल की बात है। और हम कोशिश करेंगे कि 33% क्या, 40% लेडीज इंशाल्लाह जब सियासत में आएंगे वो खुद इंडिविजुअल एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, वो खुद अपनी सियासत में अपने सीट लेंगे, तो फिर कोई देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो खुद के खुद जो है आकर अल्हम्दुलिल्लाह बैठ सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये नेशनल पार्टी है और हमारी पार्टी इंशाल्लाह टोटल नेशनल में इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और हमारी शुरुआत इंशाल्लाह बेंगलुरु से शुरू होगी और उसके बाद 2019 में हर स्टेट में हमारे पार्टी कंटेस्ट करेंगी, जिसमें कैंडिडेट हमारे महिलाएं मेरे ख्याल से 80% होंगे, 20% मर्दे होंगे। हमारी पार्टी का जो मकसद है कि सबसे पहले महिलाओं को इस पार्टी में जगह दी जाए। वो गरीब क्यों ना हो, वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, अगर उसके पास टैलेंट है, वो कौम की खिदमत कर सकती है। तो हम खास कर से ये चीज़ को फाइनल किया है, जो महिलाएँ एनजीओस की जो पहले से कौम की खिदमत करने की उनके पास सलाहियत है, उनको हम कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, ताकि वो कौम का काम बिल्कुल से बिल्कुल अच्छी तरह से कर सके। ना हमारी पार्टी का मकसद सीट हासिल करना है, ना हमारे पार्टी का मकसद वोट हासिल करना है, बल्कि हमारी पार्टी का मकसद होगा कौम की खिदमत करना है। और कौम की खिदमत करने के लिए ये पार्टी को इंशाल्लाह हम लॉन्च किए ही, और मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह के ज़ात से कि ये पार्टी आइंदा बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। और मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ जो मीडिया यहाँ पर आए हैं, ये हमारी आवाज़ को सारी इंसानियत तक पहुँचाएँ। ना ये पार्टी मुसलमान की है, ना ये पार्टी हिंदू की है, ना ये पार्टी किसी जात पात की है। ये पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर की गई पार्टी है, ये इंसानों की पार्टी है, ये भारत के नागरिकों की पार्टी है। कोई भी भारत की महिला, कोई भी भारत का नागरिक जो है इसमें हिस्सा लेकर जो है सामने आकर कौम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मगर उस तरह के नहीं कि एक दूसरे पर ताने तिशने करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपना काम करके पब्लिक को बताएं कि हमने क्या अच्छा काम किया है। बस यही हमारे पार्टी का मकसद है। जय हिंद। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी औरतें आएंगे काम उतना ज्यादा अच्छे से संभलता जाएगा। जी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का जो मकसद ही है वो खवातीन के लिए एम्पावरमेंट है, और काम भी करेंगी तकरीबन खवातीन करेंगी, और उनके सारे मशवरे लिए जाएंगे और उनकी बातों को घर घर जाकर सुना जाएगा और उनके दिलों की आवाज़ को सुना जाएगा, और सुनकर उनके हित में जो है जो भलाई होगी वो फैसले किए जाएंगे। इसीलिए ये कायम किया गया। एजुकेशन, हेल्थ और तकरीबन गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन तमाम प्रोजेक्ट पर आपने अपने दस्तावेज में जी एक ब्रीफ हिस्ट्री देने की कोशिश की है। जी जी जी। मेरा कहना यह है कि आपका अपना बजट क्या है कि पॉवर्टी और एजुकेशन, प्रोस्टिट्यूशन और जो क्राइम है जी अगेंस्ट वुमेन, वो कब तक खत्म करने का टारगेट है आपका? देखिए, अभी हमारी पार्टी तो नई से लॉन्च हुई है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मेहनत होगी, और काफ़ी चीज़ें ऐसे भी हैं कि काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट के शुरू होते हैं और हम सुना जाता है
कि इतने लाख का जो है ये पास हो गया है, इतने लाख का ये पास हो गया है, मगर हमारे रिपोर्ट के मुताबिक उन तक तकरीबन कई चीज़ें नहीं पहुंचती हैं और वो कोई भी सही से जाकर पूछ नहीं सकता कि ये चीज़ें कहाँ चली गई। अगर 2 लाख लोगों को ये चीज़ें इशू हुई हैं, अगर जब वो एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर 1000 लोगों को भी नहीं मिली है, 10000 लोगों को भी नहीं मिली है, तो बाकी की चीज़ें ये कहाँ गएगी। और हमारे टीम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, ये टीम्स इसके ऊपर काम करेगी और बहुत जल्द ही जो है हम कोशिश करेंगे ये सारे काम पूरा करने के लिए। टाइमिंग और टारगेट तो मैं बता नहीं सकती। दूसरा उसी से बस लास्ट सवाल करूंगा जी। पॉलिटिकल सिस्टम हिंदुस्तान का जहां तक सीट के बंटवारे का मामला है या खरीदो फरोख्त का मामला है जी, जितने भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं आपके पास कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जी, इतने पैसे दो या टिकट दो या यहाँ की दे जी, सब लोग जानते हैं। अगर आप इनकार करें तो मुझे लगता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी नहीं है बिल्कुल। इस सिस्टम बहुत उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे जी। और भाई साहब जो है बिल्कुल सही सवाल किए हैं। जब मैंने पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने का इरादा किया तो हमारे कुछ बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये पॉलिटिकल पार्टी में तो जो है आपका क्या काम है, इसमें तो जो है सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत सलत सब चीज़ें लेने देने सब करते हैं, मगर आप तो पाकीज़ा तरीके से ज़िंदगी गुजारती है, आपका क्या काम है। तो फिर मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि आज हम राजनीतिक गंदी है, राजनीतिक ऐसी है करके अगर हम छोड़ते चले जाएंगे, उस पर उसी तरह के लोग बैठते चले जाएंगे, तो फिर अच्छे लोग कैसे आएंगे। और अच्छे लोग भी राजनीतिक में आ सकते हैं और हमारी पार्टी में इंशाल्लाह ऐसे कोई लेने देने के सिस्टम नहीं रहेंगे। और हम हर वो गरीब को जो बिल्कुल कोई ताकत नहीं रखता बल्कि कौम की खिदमत करने की ताकत रखता है उसको चुनेंगे और उसको ये चीज़ें इंशाल्लाह देंगे। तो अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी पार्टी बनकर दुनिया की नज़र में, भारत की नज़र में हम आए। और पार्टी अच्छी भी होती है चंद दिनों के बाद लोगों को ये बात साबित हो जाए। जी इसका जी बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई बड़ी सच्चाई नहीं है। उसके भाई का, उसके बाप का, उसके शोहर का हाथ है। 100 से 50%, 60% या 80% मर्दें ऐसे हैं, मगर कहीं कहीं पर जो ऐसी मर्दें हैं जो औरत को बहुत गिरी नज़र से देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, तो वो ऐसी बातें करते हैं। ये बात को हम पूरी तौर से सच माना नहीं जाता, क्योंकि मुझे बचपन से जो एम्पावर किया है और खुद मुझे भी, मेरी पूरी फैमिली और मुझे चाहने वाले मेरे भाइयाँ सब लोग भी सपोर्ट करते आते हैं। पूरे मर्दों के लिए ये बात नहीं है, मगर माशरे के कुछ मर्दे इस तरह के ही कि उनकी बात सुनकर आपके दिल हल जाएंगे कि वो इस तरह के जुल्म करते हैं। औरत पे मानने तोड़ने का क्यों ना हो, औरत को जान से मार देने का क्यों ना हो, औरत को अपनी बेटी अगर माँ के पेट में बेटी है तो उसको ले जाकर अबॉर्शन कराने का जुल्म करने पर क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो 100 में से 5% होंगे, मगर वो 5% सारी इंसानियत को जो है हिला के रख देते हैं। और कोई ऐसी वो बात में सच्चाई नहीं है कि मर्दे नहीं करते, बहुत सारे मर्दे अच्छे हैं, वो एम्पावर भी करते हैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को वो खुश देखना चाहते हैं। अभी कुछ सालों पहले एक आम आदमी पार्टी आई थी मतलब उसके लिए, और आपने उसे भी 3 साल हो गए हैं शायद, जो महिलाओं का जो हो रहे हैं दिल्ली के अंदर ही है, वो पार्टी दिल्ली में ही है आम आदमी जी, तो वो कुछ नहीं कर पाई। निर्भया कांड को लेकर उन्होंने बहुत उधम मचाया था जी, कि हमें उसका फंड नहीं मिला उन्हें, लेकिन फंड भी नहीं खर्च कर पाए उसमें। तो आप मतलब आप इतनी बात कर रहे हो, उन्होंने बहुत बात करी थी जी, देखिए बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं और एक चीज़ होती है, एक बुनियाद होती है एक चीज़ बनाने की, और शायद पता नहीं उनकी क्या बुनियाद थी और उन्होंने किस तरह बनाया था और किस तरह से बताया था, मगर हमारी जो पार्टी की जो बुनियाद है वो बुनियाद ही औरतों के हकूक़ है
और ये पार्टी को बनाने का मकसद ही औरतों के हकूक के लिए है। और 20 साल से काम करके एक मैदान है इस पार्टी का, पूरे इंडिया में, टोटल स्टेट में, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में एक मैदान है, क्योंकि इसका एम्पावर, इसके फैसले औरतों के ही हाथ में ज्यादा कर रहेंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सारे पार्टियों से मुख्तलिफ रहेगी और खवातीन ही इसकी आवाज रहेगी। जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हर किसी से मिलाए नहीं जा सकते। जब कोई एक फ्लाइट क्रैश हो गई तो दूसरी फ्लाइट भी क्रैश हो जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी हमारा इरादा ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी वो डिसीजन लेगी, हमारी पार्टी किसी पार्टी के दबाव के नीचे नहीं जाएगी, और हमारी पार्टी के एम और हमारे पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स हमारी पार्टी खुद करेगी, और हमारी पार्टी जो है खुद से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। अभी हमारा वैसा कोई इरादा भी नहीं है, और आइंदा भी हम अकेले काम करते आए ही और अकेले ही काम करेंगे। पार्टी तो आज आई है, 20 साल से सिर्फ हम अकेले ही काम कर रहे हैं। देखिए ये एक अलग ही मसला है, शायद मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान में होना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। जब ये मसला होता चले जाएगा तो झगड़े फसादे भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि भारत के संविधान में ही है कि भारत का हर नागरिक अपने मजहब पे चलता हुआ, अपने मजहब को फॉलो करता हुआ, अपने कामों को करता हुआ जो है वो हिंदुस्तान का नागरिक बन के रह सकता है। तो इसमें दखल देना और इसमें बात करना मैं नहीं समझती कि सही है। नॉर्थ में जो भी अब आप आई हैं, साउथ में आपने बहुत काम किया, 20 साल काम किया, वैसे भी इसी तरीके से दावा करते हैं कि साउथ में बात किया, लेकिन लोगों को अगर कामयाबी से आदत मिलती है तो नॉर्थ से, नॉर्थ में अगर वो कामयाब नहीं है दिल्ली में तो जाहिर है कि वो बहुत मजबूत रहते हैं। यूपी में खासतौर से और नॉर्थ में दो सेक्ट्स हैं, एक देवबंद एक बरेली, इनको आप किस तरीके से संभालेंगे? देखिए खासकर से मैं ओएसी के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये हमारी एक बिल्कुल ही अलग पार्टी है। क्योंकि अब तक उस पार्टी में कभी आपने देखा है कि किसी औरत को टिकट दी गई है, कोई औरत आके कभी स्पीच की है, क्या कोई औरत बाहर आ सकी है, कभी क्या उसके सिसकियाँ को खोल कर बयान कर सकी है? बिल्कुल नहीं। और मैं कहीं के लिए भी जो है टारगेट नहीं बनाती, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे कोई भी, हमारा काम पीस से कंटेस्ट करना है और लोगों में हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सुनाना है। बाद में पब्लिक की मर्जी है कि वो जिसको चाहे चॉइस करे। ये टारगेट की बात मैं जो है अभी कुछ भी नहीं बता सकती। और हम हर मसलक को लेके चलते हैं, वो ओएसी साहब सिर्फ मुसलमानों को लेके चलते हैं। आज मेरे सोशल वर्क में भी आप देख लीजिए, 20 साल की जिंदगी में मैंने हर वो खातून को मदद की है जो किसी भी कौम की हो, किसी भी मसलक की हो, किसी भी तरह की हो, मैंने आधी रात को भी उसके लिए गई हूँ। ये कोई मुस्लिम टैग पार्टी नहीं है, ये पब्लिक की पार्टी है। हो सकता है अभी देखिए हमारे पार्टी में तकरीबन अगर 100 है तो तकरीबन 30% हिंदू महिला भी है उसमें, और अपनी सोसाइटी के थोड़े ज़्यादा महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, मगर हिंदू महिलाएं भी कम नहीं हैं और वो भी जुड़ी हुई है। पिछले साल 12 नवंबर को ताज में भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें यूरी अटैक के नौजवान थे, उसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम कंटेस्ट किया। उसमें जो सारे लोग जो है आए हुए थे, मैं देश के लिए सबके लिए फिक्र रखती हूँ, सबके लिए दर्द रखती हूँ, मुझे किसी एक कौम से नहीं है, मैं सिर्फ इंसान का दर्द करना चाहती हूँ।
और मैं कोई किसी भी मसलक पे चल ले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इंसान से मतलब है, बस मैं इंसानियत की मदद करती हूँ। और हमारी पार्टी में हर तरह की ख्वातीन हैं, हर तरह की, सब के सब ख्वातीन हैं। और इसलिए हमारी पार्टी को ओएसी की पार्टी से मत जोड़िए, क्योंकि वो ये पार्टी बिल्कुल डिफरेंट पार्टी है, ये बिल्कुल डिफरेंट सोच की है। ये पार्टी में हर औरत के लिए आज़ादी है, वो आकर खुलकर काम कर सके। जी देखिए, पाबंदी है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मगर वो सोच, वो चलाना, वो जो तरीका जब हम देखते हैं तो उसमें औरत के लिए कोई भी जगह नहीं है। बस जी जी प्लीज एक एक सवाल करिए प्लीज। जी 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 हमारे पास पूरे स्टेट से है, टोटल स्टेट से है हमारे पास, टोटल 29 स्टेट से है और टोटल डिस्ट्रिक्ट से है, और टोटल सिस्टम बन रहा है। आफ्टर 2 मंथ्स हमारी एक बड़ी मीटिंग होगी, उसमें सारे बॉडीज अनाउंस किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, जो भी है बॉडीज अनाउंस किए जाएंगे जो काम करेंगे हमारी पार्टी में। In terms of elections and everything, and secondly, that right now the political temperature of the country is excessively divided into Hindus and Muslim politics, which we all know. My question to you is, how do you plan to overcome becoming a Muslim icon? As instead of saying, right, how do you plan on convincing the non-Muslim population of the country that you are for all and not for this one community? And also, just because you have spoken about it, why is it so important for you to differentiate yourself from Mr. Obesi's party? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि खासकर से हिंदुस्तान में काफ़ी पार्टीज जो है इसी बारे में हिंदू मुस्लिम ही कह रहे हैं। और मेरी पार्टी का सबसे बड़ा मकसद भी ये है कि इस टैग को हम पॉलिटिकल में से हटा देना चाहिए, कि जो ये हिंदू मुस्लिम की सोच है, इस सोच को हम हटा देना चाहिए और हमको पूरे भारत को मिलकर ये काम करना चाहिए। और ओएसी की पार्टी इसलिए करार दी जाती है कि उनका नाम ही मंजली से इतिहादुल मुस्लिमीन है, और वो सिर्फ उन्हीं को लेकर मीटिंग करते ही, उसी बात पर बात करते ही, सब कुछ करते ही। और हमारी पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है। और इस पार्टी में जो बॉडीज भी बनेंगे उसमें हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सारे देश के ख्वातीन भी रहेंगे और मर्दें भी रहेंगे, और टोटल मिलजुल कर हमारी पार्टी में काम करेंगे। और मुस्लिम महिकान होने का मतलब क्या है, मैं एक भारती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ मगर मैं एक भारती हूँ। हिंदू आइकान होने का मतलब क्या है, कि वो एक भारती है, बल्कि आइकान हिंदू क्यों ना हो बल्कि वो एक भारती है। तो मैं एक भारत की रहने वाली हूँ, मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, मैं इंडिया की नागरिक हूँ, तो मुझे टोटल जमहूरियत के राइट्स हैं कि मैं पॉलिटिकल में आऊं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं, मैं सीट्स को पूछूं, सब कुछ भी। मैं लोगों को ये बताना भी चाहती हूं, जो लोग सीट पकड़ के बैठ के ये सोचते हैं कि आप कोई भी इस सीट पर नहीं आएगा, तो मैं ये एक स्लोगन उसके लिए कहना चाहती हूं कि सियासत किसी की विरासत नहीं है, जब जिसके हाथ में चाहे वो सियासत आ सकती है। ये सारे लोगों के दिमाग में ये बात होना चाहिए, हर भारत के इंसान को मालूम होना चाहिए कि आज मैं जिसको देख कर मजाक कर रहा हूँ, वो भी कल चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ सकता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इसकी आज़ादी देने के लिए कि हर इंसान अपनी आज़ादी से लड़कर अपने हक को हासिल कर सकता है, वो अपना टैलेंट भारत में बता सकता है। जी सवाल तीन है। पहला, अभी आपने सेशन के दौरान कई बार शब्द इस्तेमाल किया कि कौम की खिदमत, क्या इसको बारीकी से एलोरेट करके बता सकते हैं? जी। दूसरा, आपने ये जो प्रेस रिलीज दी है इसमें एक चीज क्लियरली मेंशन है कि यू वेलकम दलित मोदीज इनिशिएटिव ऑफ द ट्रिपल तलाक। जी। अब उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि आप उनके मॉनिटरिंग सिस्टम से जो अभी मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया है उससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है ट्रिपल तलाक में। जी। तीसरा सवाल, इसी प्रेस रिलीज में
स्पष्ट ये भी लिखा है कि सरकारी नीतियां जो बनती हैं, जो स्कीम्स चालू होती हैं, उसका एंड जो रिजल्ट होता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, क्योंकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म अभी डेवलप नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आप इसके बारे में कुछ एलाबोरेट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे मैंने न्यूज़ में स्कीम्स देखती हूँ, बहुत सारे अखबार में स्कीम्स देखती हूँ कि इन ख़वातीन को जो है कि इतने गैस के सिलेंडर मिल गए, फलाने जगह पर ये चीज़ें हो गई। मैं सिर्फ जो है काफ़ी चीज़ें जो है कि अखबारों में देखती हूँ, जब हमारे ख़वातीन उसका एक सर्वे करते हैं, क्या वाकई उन ख़वातीन को क्या ये चीज़ें मिले हैं, क्या वाकई उन ख़वातीन तक ये चीज़ें पहुँचे हुए हैं, तो रिज़ल्ट तो कभी कभी 5% भी नहीं, कभी 1% भी नहीं, कभी 0 भी आता है। तो इसलिए मैंने वो मेंशन किया है कि आइंदा हम इस बात के ऊपर हमारे ख्वातीन का, हमारे महिलाओं का ग्रुप इस पे नज़र रखेगा और बाकायदा राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम उसका सवाल भी करेंगे ज़रूर से कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ गए हैं और किसको कितना कितना पहुँचा है। पहला आपका जो है फीमेल फेमिसाइड है, जहाँ पे महिलाओं को मतलब मार दिया जाता है, दूसरी बड़ी समस्या है दहेज प्रथा और तीसरी क्रिमिनल प्रथा। तो तीनों समस्या क्योंकि आप एक महिला पार्टी के रूप में उभर रही हैं, तो आप इन तीनों समस्या सामाजिक समस्या है और बहुत समय से चली जाती है, अभी मतलब आप उसमें कैसे इसको हैंडल करेंगे, बहुत बड़ी समस्या होगी। जो ट्रिपल तलाक का मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो फैसले से तो हम मुतमईन हैं, क्योंकि जो भी फैसला जब कोर्ट कर देती है तो उसमें हमको दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस फैसले का जो है ये है कि कहीं भी इस्लाम में उस तरह का है नहीं कि जिस तरह का लोग तलाक के बारे में पेश करते हैं कि एक जगह खड़े हो जाओ, तीन बार पुकार दो तो भी हो जाएगा, ऐसा कहीं भी हमारे कुरान में और हदीस में नहीं है। मगर लोग क्या है, गलत कॉन्सेप्ट लोगों में फैलाए गए हैं कि इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसले से हम मुतमईन हैं। दो छोटे छोटे सवाल हैं, मैं इधर हूँ। बहुत सारे ऐसे मौके पर सुनने में आता है कि सोशल मीडिया को लेकर के मुस्लिम समाज जो है वो ये कहता है, फतवा जारी कर देते हैं कि ये नहीं यूज करना चाहिए, तो यंगस्टर्स को आपका क्या पैगाम है? जी, फतवा पेश करने के बारे में मैं ये कहती हूँ कि फतवा अथेंटिक है और फतवा हमारे इस्लाम के किताबों सुन्नत के एविडेंस के साथ है, तो हमारे अगर वो मुसलमान है तो मेरी सोच है कि उसको मानना है। अगर फतवा अथेंटिक नहीं है, कहीं भी प्रूफ नहीं है, कोई कुछ भी फतवा लिख कर दे दिया तो उसको तो कचरे में फेंक देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जी, उसका मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मैं इस पर कोई ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहती, क्योंकि जो कोर्ट फैसला करेगी वो फैसले को सारे लोगों को मानना पड़ेगा। मैं टोटल इंडिया में इंशाल्लाह कंटेस्ट करूंगी, 2019 के जो भी जनरल इलेक्शन है उसके लिए स्टार्टिंग कर्नाटक से है और वहां से सारे स्टेट में मैं कंटेस्ट। मैम एक बात बताइए, जब भी मुसलमान इस तरह की पहल करते हैं तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से मिले होते हैं और पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। आपने भी अपने प्रेस रिलीज में नरेंद्र मोदी की बड़ी जम के तारीफ की है प्रधानमंत्री की, तो क्या ये माने कि आप भी बीजेपी की विधि के रूप में काम करने वाली हैं? नहीं, मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी की कोई प्रेस रिलीज में तारीफ नहीं की। और वो त्रिबल तलाक का जो फैसला था वो पूछा तो मैंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहिए। आपने पार्टी को लेकर क्या तैयारियां की हैं? कौन आपके साथ में है, क्या अकेले? हमारे साथ में कोई नहीं है, हमारे साथ में बस एक अल्लाह की ताकत है, दूसरा हमारे महिलाओं की पूरे ग्रुप है जो हमने तैयारी की है और तैयारी के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। बनाई नहीं, मैं कमिटीज तो हर जगह बनाई हूँ, ये हमारे महिलाओं की कमेटी है और खास हमारे पार्टी की कमेटी है। मैं कोई पार्टी में कोई छोटी सी मेंबर भी नहीं हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में। आईडिया को लेकर क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको सुनना पड़ेगा।
सर एक एक सवाल और जवाब दे दीजिए, महिला आरक्षण की बात बार बार होती है, तमाम पार्टियां कुछ पक्ष में होते हैं कुछ विरोध में होते हैं, आप क्या? हम तो 20 साल से पक्ष को भी देखते आए हैं और विरोध को भी देखते आए हैं, ऑलरेडी 20 साल से हम ये सब झेल चुके हैं तो फिर आइंदा भी वही झेल। आप सीधे कोई पर्सन आरक्षण चाहती है? 33% नहीं, 40% चाहती हूँ, उससे ज्यादा आना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं, पूरे महिलाओं को रहेगा, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को, पूरे महिलाओं को उसमें। इन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्या एजेंडा है आपके पार्टी का सिर्फ महिलाओं को लेकर और तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या है मुख्य एजेंडा? एजेंडा मुख्य जो है महिलाएं ही है, जो देश के 50% महिलाएं हैं, उससे बड़ा क्या एजेंडा हो सकता है? उनको लेके ही, उनके समस्याओं को लेके ही मेरा एजेंडा है और कुछ भी नहीं। तो सरकार की मुखालफत में या सरकार के साथ में? जी सरकार की हम कोई सरकार की मुखालिफत, कोई सरकार की साथ नहीं, और जो सरकार हमारा साथ देगी, हमारे बातों को, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पसंद करेगी, हम उस सरकार के लिए कुछ भी नहीं। जो हमारे खिलाफ कहेगी, जो हमारी बातों को नहीं मानेगी, तो हम उससे जरूर जम के जो है काम करेंगे, जम के पूछेंगे सवाल, विधानसभा सब लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे।